जब मैं आपकी कृपा की रक्षा करने के योग्य नहीं हूं प्रभु, तो फिर मैं जीवित रहने के योग्य नहीं। शास्त्रों में तो ऋषि और राजा के लिए श्वान निद्रा का विधान है, परंतु मैं अभागा न जाने क्यों अजगर के समान चेतनाहीन हो गया था। श्री गणेश, मैं जानता हूं कि आत्महत्या करना पाप है, परंतु मैं पाप नहीं कर रहा हूं प्रभु। मैं अपने दोष के लिए अपने आप को दंडित कर रहा हूं, दंडित कर रहा हूं प्रभु, दंडित कर रहा हूं मैं। आश्रम में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे कि ये कपिल मुनि अपने आप को दंडित कर सके। श्री गणेश, पर मेरा निर्णय अटल है प्रभु। मैं आपके कलश के सामने अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री गणेश, श्री गणेश। ठहरे ऋषिवर, ठहरे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? प्रभु, मैं आपके कृपा की रक्षा। नहीं ऋषिवर, आपकी भक्ति और तपस्या से प्राप्त ये चमत्कारी चिंतामणि रत्न संसार की कोई भी शक्ति आपसे नहीं छीन सकती। ये आपका है और आपका ही रहेगा। इस रत्न के कारण ही आपकी यश कीर्ति समय की सीमा को लांघकर सदा सदा के लिए अटल हो जाएगी। लीजिए। नहीं प्रभु, नहीं। मैं आपकी इस कृपा के योग्य नहीं। मैं आपके इस रत्न की रक्षा नहीं कर सका प्रभु। आप इस रत्न के सर्वथा योग्य हैं। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। उन्हीं की इच्छा के वश होकर गण राक्षस ने अपने पापों का दंड भुगतने के लिए इस वरदानी रत्न को चुराया था। ये भविष्य का संकेत है। हे महान वरदाता, ये वरदानी रत्न जन जन के कल्याण और उनकी कामना पूर्ति का साधन बने, इसलिए आप स्वयं इसमें निवास करें प्रभु। मैं इस रत्न में निवास करूं? हाँ प्रभु, इस चिंतामणि रत्न को अपनी कृपा ज्योति से ज्योतिर्मान करने का कष्ट करें। उसे क्या होगा कपिल ऋषि? इससे मेरा जन्म जन्म का स्वप्न साकार होगा प्रभु। मैं इस सह्याद्री क्षेत्र में चिंतामणि गणेश तीर्थ की स्थापना करना चाहता हूँ, जिससे युगो युगो तक यहाँ पर आने वाले यात्रियों को आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप धन्य है ऋषिवर। श्री महागणेश भक्ति की पावन धारा और श्री महागणेश भक्तों में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ और सदा अमर रहेगा। आप जैसे महान भक्त की कामना का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इस सह्याद्री के पावन क्षेत्र थेउर स्थल पर एक कदम वृक्ष के नीचे चिंतामणि के रूप में मैं सदा सदा विराजमान रहूंगा। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश।
श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आप जैसा वरदाता और भक्तवत्सल भगवान। दूसरा कोई नहीं है प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। आपके इस पावन तीर्थ चिंतामणि श्री गणेश के जो भी गणेश भक्त दर्शन करेगा उसके चित्त की चंचलता नष्ट हो जाएगी, उसे मरवांचित सिद्धि की प्राप्ति होगी। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री गणेश। पूज्यं गणाध्यक्षमुमा पुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। चिंतामणि श्री गणेश और भक्तराज कपिल ऋषि की जय। तीर्थराज थेऊर की जय। सह्याद्री का पावन क्षेत्र चिंतामणि श्री गणेश की जय जयकार से गूंज उठा। चिंतामणि श्री गणेश की कृपा से ही महारानी नीलिमा भी समय के साथ कई वीर गणेश भक्त पुत्रों की माता बनी। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये चिंतामणि गणेश तीर्थ असंख्य श्री गणेश भक्तों के चित्त को स्थिरता प्रदान करके उनकी कामनाएं पूरी करता रहा। आज से कई सदियों पूर्व इसी क्षेत्र में परम श्री गणेश भक्त मोरिया गोस्वामी ने भी तपस्या करके न केवल श्री गणेश की कृपा अपितु अनेक सिद्धियां प्राप्त की। ओम गणानन्त्वा गणपतिं हुं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हुं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हुं गवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। श्री गणेश ने अपने भक्त की भावना को पहचानते हुए व्याघ्र रूप धारण किया और भक्त की मनोकामना को पूरा किया। व्याघ्रासन विराजित चिंतामणि श्री गणेश की जय। जय हो श्री गणेश की जय हो। श्री गणेश का प्रतीक व्याघ्र रूप आज भी इस मंदिर में पूजनीय है। अष्ट विनायकों में पुणे जिले में जुन्नर तालुका के ओझर स्थान पर स्थित विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की कथा का संबंध विघ्नासुर नामक एक असाधारण असुर और श्री गणेश के विघ्नेश्वर अवतार से है। नमस्तस्मै गणेशाय सर्व विघ्न विनाशिने कार्यारंभेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरेरपि। नमोस्तु देव देवेश भक्तानाम भयप्रदा विघ्नानां नाशकर्त्रे च हरात्मज नमोस्तुते। ये तब की बात है जब सदाचार सत्यव्रत और तपस्या का
जीवन में सर्वाधिक महत्व था। युग और परंपराओं से प्रभावित होकर सुदत्त और जाह्नवी नाम के निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक वर्ष तक श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था, जिसका आज समापन है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंग क्या बात है जाने? आज मैं श्री गणेश जी से अपने मन की बात नहीं कही। आज हमारा गणेश चतुर्थी का व्रत है। अगर आज हम इनसे अपनी कामना नहीं कहेंगे तो आखिर कब कहेंगे? अंतर्यामी श्री गणेश हर मन की बात जानते हैं स्वामी। अपने मुंह से मांगकर इनकी महानता पर संदेह नहीं करना चाहिए हमें। तुम सच कह रही हो जानवी। अपने मुंह से अपनी भावना प्रकट करके हम गणेश जी की कृपा पर संदेह क्यों करें? हमने पूरी निष्ठा से पूरे एक साल तक गणेश चतुर्थी व्रत का जो संकल्प किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। जानवी, यदि गणेश महाराज की कृपा हुई तो तुम शीघ्र ही एक सदाचारी और धार्मिक पुत्र की माता बनोगी और हमारी वर्षों की साथ पूरी होगी जानवी। हमारी वर्षों की ये क्या जानवी? तुम रो रही हो? अरे आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। नहीं जानवी, इन आंसुओं को पोंछ दो। नहीं नहीं स्वामी, ये तो हर्ष और आनंद के आंसू हैं। आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हमें श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के प्रतीक हमारे आंसू हैं जो हमारी आंखों से निकल आए। अब आंसू की कोई जात नहीं होती स्वामी, वे तो बस भावनाओं के साथ बह ही जाते हैं। अरे पंडित सुदत्त महाराज जी, आपको सेठ जी के यहाँ नहीं चलना है। सेठ जी पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सेठानी जी के वर्ष भर के गणेश चतुर्थी व्रत की अंतिम पूजा है। मुझे तो सेठानी जी की पूजा का ध्यान ही नहीं रहा। तुम आगे चलकर सेठ जी से कहो, मैं तुरंत आता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप तो जानते हैं सेठानी जी भूखी नहीं रह सकती। हमने भी तो वर्ष भर श्री गणेश व्रत रखा है। व्रत के दिन पूरा उपवास रखना चाहिए और भोजन का लालच छोड़ देना चाहिए। सो तो आप ठीक कह रही हैं पंडिताइन जी, लेकिन अब सेठानी जी को कौन समझाए? और उन्होंने तो पहले ही कहा है कि पूजा के बाद वो एक पल के लिए भी भूखी नहीं रह सकती है। तुम्हारे सेठानी जी के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जय श्री गणेश। तनिक ठहरिए। ये लीजिए। हाँ चलिए। शीघ्र चलिए। जय श्री गणेश। सेठानी जी का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा होगा। सावधान विघ्नासुर सावधान। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। तुम्हारे विघ्नों का भोग बनने के लिए एक नहीं दो दो गणेश भक्त इसी ओर आ रहे हैं। इनका भोग करने से तुम्हारी भूख तो शांत होगी, साथ ही साथ गणेश भक्ति भी निर्बल हो जाएगी विघ्नासुर।
गणेश का नाम और भक्ति मेरे साथ है। श्री गणेश, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर, मैं गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु हूँ। मैं भी देखता हूँ सुदत्त ब्राह्मण कि तू कैसे अपने काम पूरे करता है। मैं तेरे हर कार्य में विघ्नों की काली छाया बिखेर दूंगा। गणेश महाराज जी, खुद तो इतना खाते हो और दूसरों को खाने ही नहीं देते हो। अब मैं नहीं रुक सकती, पूजा हो कि ना हो, मैं तो गणेश जी का भोग लगा ही लेती हूँ। अरे 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 भाग्यवान, तुम तो भूख से ऐसे बिलख रही हो जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्राण ही तो निकल जाएंगे, वो मुआ रमुआ पता नहीं पंडित जी को लेके क्यों नहीं अभी तक आया। हाय, कहीं गांव की चौपाल पर तो नहीं बैठ गया है? कितना समय बीत गया है। अरे भाग्यवान, पंडित सुदत्त का घर जंगल के उस ओर है, आने में समय तो लगता ही है। भूत, 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 कहाँ है भूत? उधर जंगल में। मैं तो किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन बेचारे पंडित जी उसके चक्कर में फंस गए। पता नहीं क्या दशा हुई होगी उनकी। रमुआ, रमुआ, क्या हुआ तुम्हें? रमुआ, मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर, गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु। जय जय श्री गणेश। उठो रमुआ। जय जय श्री गणेश। रमुआ उठो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। अरे पंडित जी, आप यहाँ? भूत के चक्कर से आप कैसे बच के यहाँ आ गए? जिसके ऊपर श्री गणेश जी की कृपा हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे पंडित जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो भूत भूत नहीं है, विघ्नासुर यहाँ पर भी आया था और श्री गणेश जी के सामने रखा सर्प सांप चट कर गया। ये भी श्री गणेश जी की कोई लीला हो। अरे लीला वीला छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं व्रत का प्रसाद कैसे चखूंगी। भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। सेठानी जी, ये तो श्री गणेश की परीक्षा है। वैसे सच पूछा जाए तो व्रत और उपवास में निराहार ही रहना चाहिए, इसलिए आप भी प्रसाद पाने का विचार त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी की पूजा कीजिए, आपको महान पुण्य लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुण्य लाभ। अरे भाग्यवान, कुछ ही देर की तो बात है। हाँ। सेठानी जी को ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहिए, आप जाएं और उन्हें मना के यहाँ ले आइए,
और उन्हें अपने साथ यहाँ बैठा कर श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। नहीं पंडित जी, मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ, वो नहीं आएगी। तो फिर श्री गणेश जी की पूजा कैसे होगी? पंडित जी, शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। हाँ, लिखा तो है। तो उसे आधा ही मानकर पूजा प्रारंभ कीजिए, मैं आपके साथ बैठता हूँ। वो आधी मैं पूरा, दोनों सही, लेट तो है, आइए चलिए। विराजी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, सेठानी जी के अपराध को क्षमा करना और मेरे यजमान रमण सेठ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः।